बॉलीवुड की लेटेस्ट अपडेट्स और गॉसिप्स के साथ मैं कीर्ति एक बार फिर से हाजिर हूँ। रेस 3 को लेकर इतना ट्रोल हुए सलमान खान कि गूगल ने भी बुरी तरह से करी सलमान खान की बेइज्जती। ईद के मौके पर रिलीज हुई सलमान खान की फिल्म रेस 3 ने भले ही वीकेंड पर काफी ज्यादा कमाई की हो, लेकिन फिल्म को काफी नेगेटिव रिव्यूज मिले हैं। 100 करोड़ की कमाई करने के बाद भी फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से काफी निराशाजनक बताया गया। ईद के मौके पर रिलीज हुई इस फिल्म में कास्ट की परफॉर्मेंस को बेहद बेकार बताया जा रहा है। पहली बार सुल्तान की कोई फिल्म इतना ट्रोल हुई कि गूगल पर वर्स्ट बॉलीवुड एक्टर लिखने पर सलमान का नाम आ रहा है। इस स्क्रीनशॉट के वायरल होने के बाद सलमान एक बार फिर ट्विटर पर ट्रोल हो रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, मुझे तो पहले से ही पता था, लेकिन अब जब गूगल ने ही बता दिया तो ये साबित हो गया कि सलमान सबसे बेकार एक्टर है। वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, भाई आपको गूगल बेकार एक्टर क्यों कह रहा है, जरा पता करना। बता दें कि वर्स्ट बॉलीवुड एक्टर लिखने पर गूगल सलमान खान की विकी प्रोफाइल दिखा रहा है। सोशल मीडिया पर फिर से ट्रोल हुई सनी लियोन। यूजर्स ने कहा, अपनी तरह बेटी को मत बनाओ। सोशल मीडिया पर हमेशा से सुर्खियां बटोरने वाली सनी लियोन इस बार अपने हस्बैंड डैनियल वर्बर के एक पोस्ट की वजह से सुर्खियों में छा गई हैं। दरअसल फादर्स डे के मौके पर डैनियल वर्बर ने अपनी पत्नी सनी लियोन और बेटी निशा के साथ इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की थी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। कई लोगों ने उनकी इस क्यूट फैमिली पिक्चर को सराहा, तो वहीं कुछ लोगों ने इस तस्वीर को अनुचित तस्वीर कहकर नकारात्मक टिप्पणियां भी की। कुछ लोग सनी के सपोर्ट में उतरे तो कुछ लोगों ने उन्हें मां बनने की क्लास तक दे डाली। डैनियल द्वारा साझा की गई तस्वीरों को देख करके इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये तस्वीरें कुछ दिनों पहले कराए गए फोटोशूट की तस्वीरें हैं। जहां एक तरफ डैनियल ने अपनी बेटी के साथ एक तस्वीर शेयर की, वहीं उन्होंने अपने दोनों बेटे नोआ और उशर के साथ भी तस्वीरें साझा की। सनी लियोन ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पूरे परिवार के साथ एक तस्वीर साझा करते हुए डैनियल को फादर्स डे की बधाई दी। बॉलीवुड की ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहें पंचायती टाइम्स। We'll be right back.